आज हम आ गए कहाँ, दुनागिरी मंदिर। तो आज घूमने आए हैं, यहाँ ठंडा हो रहा है, मौसम भी काफ़ी सही है, यहाँ काफ़ी चढ़ाई है और मौसम भी साथ दे रहा है और यहाँ पे मौसम साथ दे रहा है। तो ये चढ़ाई है, अभी हम नीचे रोड में हैं, इसके बाद यहाँ पे स्टेयर्स हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी सामान वामान ले रहे हैं शॉप से मंदिर का, इसके बाद चलते हैं ऊपर, आपको भी दिखाते हैं कैसा है। चलिए ऐसी है स्टार्टिंग, यहाँ से यहीं पर ही है रोड, रोड के बगल से स्टेयर्स। अभी तो पैदल चल रही है छुटकी हमारी, थोड़ी देर में थक जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ हैं। ये रास्ता भी शायद मंदिर ही आता है, जिसको सीढ़ियाँ पसंद नहीं वो इससे जाएगा, ये रास्ता बगल में ही है तब से। ये हमारा पहला स्टॉप, यहाँ पे रेस्ट करो, यहाँ पर एक शॉप है रेस्ट करने के लिए। ये थक गए तब से सना को ऐसे लाने में, जिया जी हमारे विश्राम साला। एक बार और कितने ऊपर नहीं, और कितने अंकल? अच्छा पहुंच गए, बस शायद वो रहा मंदिर। और ये देखिए रास्ता, यही था वो रास्ता, इसने साथ दिया हमारा। ये अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर, ये शॉप खोल रखी है यहाँ पे, ये बुक्स। अब हम एंटर कर रहे हैं मंदिर। जय हो, घंटी तो बजा नहीं सकते। लेफ्ट राइट, अभी तो दोनों ही खाली है। हाय हाय, मौसम बहुत सही है यहाँ का, ये पसीना इसलिए आ रखा है क्योंकि हम चढ़ के आ रहे हैं, वहाँ उतनी हवा नहीं चल रही, ठंडा लग रहा है। यहाँ ठीक मतलब अच्छी हवा आ रही है। क्यों रे दिया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फाइनली हम पहुँच गए हैं, जूते चप्पल उतारने का पेज और टंकी। ओहो ये था झूला, यही झूला था। मैं टूट गया, टूटा हाँ, बांध दिया हो। ओहो, ये झूला बांध दिया। अरे अंदर जेम्स नहीं बेटा, वो प्रसाद है। हाँ ठंडा इतना हो रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सबने स्वेटर जैकेट पहनी है। पंडित जी भी जैकेट पहन के पढ़ रहे हैं पाठ। हीरा मंदिर, दुनागिरी मंदिर हमने कर लिया दर्शन, अब हम जा रहे हैं वापस। बाजी पोज दे रही हूँ, बाजी पोज दो, बाजी वही वाला पहले वाला। दर्शन करके वापसी हो रही है अब। बाजी कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा, यहाँ सबसे मेरा अनुरोध है आप यहाँ आइए, देखिए यहाँ की प्राकृतिक छटा देखिए, अपने आप में अविस्मरणीय है, ये अतुलनीय है। सबको बता दें बाजी हिंदी से पीएचडी हैं, बाजी हिंदी से पीएचडी हैं, डॉक्टर माया भंडारी, इसलिए ये शब्द निकल रहे हैं। वो लोग भी आ रहे हैं पीछे से, अब हम जाएंगे वापस। और स्टेयर्स गिनेंगे कितनी सी का आनंद लीजिए। मौसम सबसे बढ़िया मौसम। महीना कौन सा चल रहा है? जुलाई का मंथ है और ऐसा लग रहा है सितंबर अगस्त का महीना है, सितंबर अक्टूबर, बहुत सही, बहुत ठंडा। सना भी आ गई, सना चना हाय हाय करो, हाय सना, हाय 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 कह दो, हाय कह दो, बाय बाय। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पांडुखोली। अब बोलो, अभी हम पांडुखोली जा रहे हैं। अच्छा वहाँ क्या है? यहाँ से 3 किलोमीटर है। ऐसा कहता है अज्ञातवास के टाइम पे पांडु वहाँ रहे थे, पहले 5 पांडु। पांडु और खोली का मतलब? खोली मतलब उनका मकान, खोली मतलब पांडवों का मकान, कच्चा सा मकान बनाया। पांडुखोली मतलब पांडवों का मकान, कच्चा मकान। तो ये वहीं दुनागिरी से आगे, कितना आगे था ये दुनागिरी से? अप्रोक्स 4-5 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। अभी हम पैदल चल रहे हैं ऊपर को, दिखाते हैं आपको कैसा है। चलिए चलिए।
एंट्रेंस यहाँ पर से जाना है ऊपर। सुना कहाँ जाना है? हमें अंकल आंटी मिले, कपल्स पीछे जा रहे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया। अच्छा हुआ कि पांडुखोली यहाँ से कितना है, 3 किलोमीटर है, कुछ भी नहीं होता है। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चढ़ाई है, उनको 1.5 घंटा लगा मिनिमम, 1.5 आवर्स और मैक्सिमम 2 आवर्स। हम ऐसा, ये भी इसको ठंडा लगेगा इसलिए पहाड़ी, हम तो फटाफट चलेंगे। हम देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। हर पार मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ है सामने, कुछ नहीं होता, मासी से घर। अभी हम जब जाएंगे तब पता चलेगा आपको, रुक जाओ। क्या हो गई? हट हो गई। यहाँ हमारे अलावा अभी कोई नहीं दिख रहा है, वही दिखे थे, उन्होंने हमें बताया वहाँ है सामने, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं। अभी ट्रैक और हमारा ट्रैक। सना इधर देखो नीचे, ठीक ऐसा हमारा रास्ता। बेटा वो बेटा नानी को वो दर्द होता है फिर पाँव में चलने में ना, चलो नानी को दर्द। अभी हम सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, हम चढ़ गए हैं शायद 2 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर और है। यहाँ बोल रहे थे वो ये सफ़ेद सफ़ेद पत्थर में क्रैक यहाँ, अब तो पत्थर जो उधर से दिख रहे थे इतने दूर आ गए हम इसी पत्थर। पीछे वो गिरेगा ना? हाँ वही मैं, हाँ आ रहे ओ यहाँ ओस देखिए कैसे उड़ रही है। हाय हाय इतना ठंडा हो गया यहाँ। जी हाँ जी दीदी कैसे हो गया आप, क्या हालत? ओहो यहाँ आ गए हम, यहाँ आ गए धुंध के बीच में, धुंध के बीच में हम एकदम। जंगल के बीच में क्या मजा ये रास्ता। हम पहुंचने वाले हैं, तो गेट टाइप का लग रहा है भाई। हाँ खाना क्या मेरी, हाँ और आगे चलो। अच्छा अभी और है यार, चलो खींचो आनो। पहुंच गया हम, क्या लिखा है, स्वर्गपुरी पांडव कोहली। स्वर्गपुरी पांडव कोहली और ये रही जन्नत, जन्नत जन्नत ऑक्सीजन वो नहीं भाई साहब, ये है जगह। अरे हाय चुन्नी इधर दो, इसको उड़ाओ। कह रही कि मेरे को ठंडा लग रहा है, हां मत बाद में करना, ये गिर जाए, ये चुन्नी गिर गई उसकी, नहीं गिर गई मेरा, ये धक्का यार। फाइनली हम पहुंच गए, ऐसा है कुछ नहीं दिख रहा था हमें धुंध के पार, गाय ये दिख रही है से स्पॉट। बारिश आने लग गई थी। ऐसा है आश्रम, यहाँ फ्रिज की ज़रूरत भी नहीं है। हम सब जा रहे हैं वापस, अब वापस गया देखो, हैं वापस गया, धुंध वापस जा रही है। हाँ अब वही वापस धुंध, इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। अब हम सब वापस जा रहे हैं। बाजी कैसा लगा आपको पांडुखोली? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग भी आइएगा और खूब यहाँ का आनंद लीजिएगा। स्वर्ग आश्रम वास्तव में स्वर्ग आश्रम ही है ये, सच में स्वर्ग है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब हम लगभग 200 मीटर्स नीचे आ गए हैं। आज नानू फंस गया है जंगल में, फंस क्या गया मतलब हम लोग आ रहे हैं और बारिश आ गई है, बारिश नहीं आती तो ठीक था पर बारिश की वजह से हम भीग गए। बारिश आ गई इसको याना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अपने कपड़े खोल के इसको ढका रखा है ताकि इसको ठंड ना लगे और पानी से बचे रहे। लेट्स सी
काफी फिसलन भरा रास्ता हो गया और अंधेरा भी बढ़ते जा रहा है। फाइनली हम पहुंच गए अपनी गाड़ी सब गिरगिर मैया की जय। भाई साहब कुछ नहीं दिख रहा आगे, कुछ भी नहीं। मैं तो क्या, मैं चला लेता हूँ, ये सफेद पट्टी होती है बीच में। हाँ यहाँ तो अभी साला सफेद पट्टी साइड है यार, ये कुछ भी नहीं दिख रहा है। आराम आराम से इसको बेलिए। हाँ पहले पहले सफेद पट्टी है, मोड़ है यार पूरी। टाइम हो गया 9:30 और हमारा हो रहा है स्वागत। है छा भूल गया हम। 9:30 हो गया, चलिए अब मिलते हैं, अब सोते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद सोते हैं। बाय बाय।